हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपके जो दिन की जो शुरुआत होती है वो कैसी होती है? हमारे सुबह के जो 2 घंटे होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से कर रहे हो? क्या आपको पता है कि आप अगर अपने सुबह के 2 घंटे को कंट्रोल कर लो आप, तो आपका पूरा दिन और आपकी पूरी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। तो अगर आप अपने मॉर्निंग को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, अगर आप मॉर्निंग में ऐसा फील करना चाहते हैं जैसे आप एक राजा हैं, आप रानी हैं या आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो ये सेशन आपके लिए है। अगले कुछ मिनट में मैं आपको 7 मॉर्निंग पावरफुल हैबिट शेयर करने वाला हूँ, जो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ईजी होगा। और अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, करना शुरू कर देंगे, तो आपकी लाइफ में डेज बाई डेज, वीक बाई वीक, मंथ बाय मंथ मैसिव शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा। और आपकी जो डीपेस्ट डिज़ायर है, जो कई सालों से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, पूरी नहीं कर पा रहे हो, वो आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो लास्ट में मैं आपको बहुत एक स्पेशल रिवार्ड देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इसे पूरे अंत तक देखिए, ताकि आप इस 7 पावरफुल टेक्निक्स का, ट्रिक्स का बेस्ट एडवांटेज ले सकें अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, प्लस आप उस रिवार्ड को अर्न कर पाएँ, पा पाएँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने दिन की शुरुआत कैसे करें। मैं विवेक राठौर, ऑथर ऑफ मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें समझना है, जो हमें जानना है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हमारे दिन की शुरुआत रात में हो जाती है। हमारे दिन की शुरुआत सुबह नहीं होती, हमारे दिन की शुरुआत रात से ही हो जाती है। तो अगर आपको अपने मॉर्निंग को कंट्रोल करना है, अगर आपको अपने मॉर्निंग को मास्टर करना है, तो आपको सोने से 1 घंटे पहले इसकी तैयारी आपको शुरू कर देनी है। दिस इज द माइंडसेट जो आपको फॉलो करना है फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट। हैबिट नंबर 2, सोने से पहले आप अपने जो भी आपकी जो 1 या 2 सबसे इम्पॉर्टेंट गोल हैं, डिज़ायर है, जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसको लिखने की आदत डालिए। नहीं लिख पा रहे, सोच लीजिए कम से कम। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। रात में आप अपने मन में ये सोचिए कि ठीक है, दिस इज़ माय फर्स्ट विश। और अगर 1 है तो वो और पावरफुल होगा, 1 या 2 और मैक्सिमम 3। 3 से ज़्यादा आपको वो वहाँ पे नंबर नहीं जाना है। तो सबसे पहले रात में सोने से पहले आपको अपनी जो आपकी जो डीपेस्ट डिज़ायर है, जो आप कई सालों से अपने मन में सजोए हुए हो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका फाइनेंस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, आपका हेल्थ हो सकता है, दैट में बी एनीथिंग, या तो उसको लिख दीजिए, या तो आप सोचिए कि हाँ, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द सेकेंड थिंग जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हैबिट नंबर 3, अगले दिन का जो भी 2 से 3 सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो आपको करना है, उसको या तो लिख दीजिए या तो सोच लीजिए एटलीस्ट। क्योंकि देखिए, केवल आप विश सोचें उससे कुछ नहीं होगा। एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस लॉ ऑफ एक्शन इज इक्वल टू सुपर सक्सेस। तो अगर आप किसी चीज़ को थॉट में ला रहे हैं, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं लेकिन फेल होते हैं। रीज़न क्या है कि वो सोचते हैं सोचने से ही सब कुछ हो जाएगा, जो कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। केवल सोचने से नहीं होगा, सोचना भी है प्लस एक्शन भी करना है, तो ही आप 100% सर्टेनिटी के साथ आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। हैबिट नंबर 4, सुबह उठकर सबसे पहले आप अपना मूड चेक करें। सुबह उठ के अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, हाउ आई एम, एम आई फीलिंग गुड, एम आई फीलिंग बैड। सब सुबह उठ के सबसे पहले अपना मूड चेक करें, और आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस 2 चीज़ों को दें, अपनी हैप्पीनेस को और दूसरा थैंकफुलनेस को। आप देखिए कि आप खुश हैं कि नहीं है, आंसर यस या नो में जानने की कोशिश कीजिए। और अगर खुश हैं तो आप थैंकफुल हैं कि नहीं है, और अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको खुशी ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे, हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे। आपको थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। सुबह सुबह आपका माइंड 2 इमोशन से भरा होना चाहिए, खुशी से और आभार से, थैंकफुलनेस से। ये 2 चीज़ का हमें ध्यान देना है। देन हैबिट नंबर 5, आपको ये समझना है कि सुबह के जो 2 घंटे होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस टाइम आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। हाई वाइब्रेशन में कैसे रहें, आप कुछ सपोर्टिव टूल को प्रैक्टिस कीजिए, अपने ब्रेन को कुछ सपोर्टिव इन्वायरमेंट दीजिए। जैसे आप योगा कर सकते हैं, आप भजन सुन सकते हैं,
आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, अपनी विश लिख सकते हैं, कोई भी बहुत पावरफुल लर्निंग सुन सकते हैं। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, जो हमें हाई वाइब्रेशन में रखते हैं। बस आपको इंटेंट रखना है कि सुबह के 2 घंटे मुझे अपने खुश रखना है, सुबह के 2 घंटे मुझे अपने आप को खुश रखना है, चाहे जैसे भी, इस बात का ध्यान रखिए। हैबिट नंबर 6, सुबह सुबह अपने हाईएस्ट विश को पाने की इंटेंट क्रिएट कीजिए। जो भी आपका द वन विश है, जो भी एक चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको पाने की इंटेंट क्रिएट कीजिए। आप मन में भाव पैदा कीजिए कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होना है, ये मेरे लिए ज़रूरी है और ये हो रहा है। आपको पूरा ट्रस्ट एंड फेथ शो करना है, ट्रस्ट एंड फेथ शो करना है। उसी फ्रिक्वेंसी पे आपको सोचना है, उसी फ्रिक्वेंसी पे आपको एक्शन करना है, उसी फ्रिक्वेंसी पे आपको बिहेव करना है और अपने आप को मेंटर से, नॉलेज से, लर्निंग से सराउंड करना है। बिना उसके नहीं होगा। देन लास्ट हैबिट नंबर 7, कोई भी एक मॉर्निंग मेडिटेशन करें जो पूरी तरह आपके द वन गोल, द वन प्रायोरिटी, द वन आउटकम पे फोकस्ड हो। सो ये 7 हैबिट्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार मैं सारा फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे प्रिंसिपल नंबर 1, सबसे पहले ये समझिए कि दिन की शुरुआत रात को हो जाती है। प्रिंसिपल नंबर 2, सोने से पहले आपका जो भी 1 या 2 सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है, विश है, उसको लिखें या सोचें। नंबर 3, सोने से पहले अगले दिन का जो भी 2 से 3 सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, वो या तो सोचें या लिखें। लिखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। नंबर 4, सुबह उठ के आप 2 चीज़ का ध्यान दें। अपने मूड को चेक करें, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप खुश हैं। आपका सुबह सुबह खुश होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, आप देखें कि क्या आप ग्रेटिट्यूड के स्टेट में हैं, क्या आप थैंकफुलनेस के स्टेट में हैं। तो इन 2 चीज़ का आप ध्यान दीजिए। नंबर 5, सुबह के 2 घंटे, सुबह उठने के बाद के जो फर्स्ट 2 आवर्स हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस टाइम आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। इस टाइम कुछ भी ऐसा करें जो आपको हाई वाइब्रेशन में रखे। फॉर एग्जांपल, अपनी विश लिखना, भजन सुनना, योगा करना, ये सारी चीज़ें आपको हाई वाइब्रेशन में रखेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। नंबर 6, सुबह सुबह अपने हाईएस्ट विश को पाने का इंटेंट क्रिएट करें। आप इंटेंट क्रिएट करें, मन में भाव पैदा करें। दिस इज़ वेरी पावरफुल। ये आपकी एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट कर देता है। एंड नंबर 7, कोई भी एक मॉर्निंग मेडिटेशन करें जो फुल्ली फोकस्ड हो आपके द वन गोल पे। सो ये 7 हैबिट्स हैं, फॉर्मूला है, प्रोसेस है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ वैसी ही नहीं रह जाएगी जैसी अभी तक रही है। सो इसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। सो आपने इतने ध्यान से आपने सेशन को अटेंड किया, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़रूर मुझे शेयर कीजिए, वो हमें मोटिवेट करता है। जैसा शुरू में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक हम लास्ट में आपको रिवार्ड शेयर करेंगे, हम आपको 1 नहीं 2 रिवार्ड शेयर करेंगे। रिवार्ड नंबर 1, आपको मैं अपनी बुक मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसकी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर करूँगा। एंड नंबर 2, हम लोग का एक 5 डेज का प्रोग्राम होता है, उसका डे 1 हम आपको 1 डे आपको हम लोग फ्री में एक्सेस दे रहे हैं। आप उसको ज्वाइन करने के लिए हम लोग का नीचे लिंक होगा, हम लोग के फेसबुक ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसके मेंबर बनिए, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको हम लिंक शेयर करेंगे। सो बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी की खुशी, आपके ग्रोथ, आपके सक्सेस के लिए मैं विश और प्रे करता रहूँगा। बहुत बहुत थैंक यू।